विलासिटी ऑफ साउंड इन एनी इलास्टिक मीडियम ओके तो इसको अंडरस्टेंड करने के लिए पहले तो थोड़ा सा ना मतलब साउंड के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि साउंड ट्रेवल uh, करती है मीडियम uh, में एंड uh, इसको एक तो इनर्शिया चाहिए मीडियम का एंड ऑबियसली मीडियम है तो पार्टिकल भी चाहिए पार्टिकल है मीडियम है तो मीडियम की इलास्टिसिटी भी चाहिए अगर मीडियम इलास्टिक नहीं है तो साउंड प्रोपिगेट नहीं कर पाएगी एंड और एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी ई इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी डेंसिटी ऑफ दी मटीरियल मीडियम दैट इज रो टू वी इज प्रपोर्शनल टू ई टू ए रो टू बी अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये आप कौन सा स्ट्रैटी अप्रोच कर रहे हैं भाई मैं तो डायमेंशनल एनालिसिस की स्ट्रैटेजी से आपको प्रूव करके दे रहा हूँ ठीक और टेन प्लस वन में इससे ही हमने करना है वी इज इक्वल टू के ई टू ए रो टू बी मार्केट वन अब k इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली और इसका वैल्यू है वन एंड इट्स k इक्वल टू वन तो v इक्वल टू क्या बन गया e टू पावर

अब आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम स्ट्रेन तो ई e क्या होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेन इज डायमेंशन तो तो डाइमेंशनल फॉर्मूला फॉर ई इज स्ट्रेस स्ट्रेस कौन है प्रेशर तो दैट इज एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू अब भैया एक बात सुन लो जब आप वेब का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको ये आना चाहिए एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू नहीं तो फिर बंटाधार है रो ऑन ए डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम एम वन एल माइनस थ्री तो टू पार बी अब हम देखिए एम जीरो एल वन टी माइनस वन ए प्लस बी एल माइनस ए माइनस थ्री बी टी माइनस टू ए करेक्ट अब हम क्या लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजानिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है डिमेंशन ऑफ मास लेंथ एंड टाइम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो माइनस ए माइनस थ्री बी इक्वल टू वन माइनस टू ए इक्वल टू माइनस वन तो ए इज इक्वल टू वन अपॉन टू एंड ए इज इक्वल टू माइनस बी दिस इम्प्लाइज यार बी लिख लेते हैं ना ए प्लस बी जीरो तो बी इज इक्वल टू माइनस ए दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू तो भाई ए का वैल्यू वन अपॉइंट टू बी का वैल्यू माइनस वन अपॉन टू तो फिर अब हमने करना क्या है कुछ भी नहीं हम इसके पास चलते हैं इक्वेशन वन के पास कि भाई साहब वी इज इक्वल टू के के इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली वन इक्वेशन टू के पास चलते हैं ये ज्यादा बेटर है ठीक है तो वी ई टू पावर ए दैट इज वन अपॉन टू रो टू पावर माइनस वन टू तो दिस एम्प्लाइज v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e अपॉन रो अरे आपको मालूम है ना रो टू तो पावर माइनस वन टू वन अपॉन रूट बन जाएगा नीचे तो अंडर रूट तो सर फॉर्मूला क्या बन के आया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन इलास्टिक मीडियम दैट इज वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई अपॉन रो मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप इसको खुद ही बिना देखे एक बार सुन लिया आपने इट्स ओके यू हैव लिस एंड वॉच्ड इट्स ओके एक मिनट में जरा वायर को सेट कर लो ठीक है तो आप इसको बिंदास खुद करो यार राइट मतलब आप आप एक चीज समझो स्टूडेंट्स करना तो खुद ही पड़ेगा नहीं है ना मैं आपको आपको समझा सकता हूं एडवांटेज क्या है कि आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो बट सिंपल खुद ही करना पड़ेगा तो मैं करता हूं पॉज साइड हटता हूं पॉज करो आप और इसको नोट करो दिस इज लेक्चर नंबर सेवन स्टूडेंट्स हु देखो ये फॉर्मूला आप डिराइव कर लिया v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई अपॉन रो वी हैव डिराइव दिस रिजल्ट वी इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो एंड यू ऑल नो दैट ई इज मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी वाई के ईटा के की जगह कुछ लोग बी भी ले लेते हैं बल्क मॉडल्स ठीक है के बल्क मॉडल है बी भी बल्क मॉडल है नाउ ऑन दिस फॉर्मूला राइट ऑन दिस फॉर्मूला हम खेलेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर uh, इसको नंबर वन लगा लेते हैं इन सॉलिड्स इन सॉलिड्स इन सॉलिड्स हम e की जगह क्या लेंगे y e की जगह क्या लेंगे स्टूडेंट्स y तो इन सॉलिड्स v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y अपॉन रो y को हम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस अब जैसे एक वायर है वायर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर बनती है सॉलिड में तो इसका अंदर हम यूज करेंगे बल्क मॉडलस ना मॉडलस ऑफ रेजिडिटी नो इसमें हम लोग यूज करेंगे यंग्स मॉडलस व्हाट यंग्स मॉडलस लिक्विड में चलते हैं इन लिक्विड्स एंड गैसेस इन लिक्विड एंड गैसेस जब हम लिक्विड्स एंड गैसेस में बात करते हैं इनकी तो यहां पर मालूम है what वी आर गोइंग टू डिस्कस V is equal to K अपॉन रो K इज कॉल वर्ट बल्क मॉडल और मैं कुछ स्टूडेंट्स को बी से भी लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ बी अपॉन रो के और बी ए के लेके चलते हैं चलो बी ले लेते हैं बी और के इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स गैसेस में थ्री डायमेंशनल चेंज आएगा वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है इसलिए वहां पर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो स्ट्रेस इज इक्वल टू बी टाइम्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और के टाइम्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो के इज कॉल्ड वॉट के इज कॉल्ड बल्क मॉडल बी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन सम सम टीचर्स प्रेफर बी समीचर्स प्रेफर के तो मैंने दोनों ही यूज कर दिया आप जो चाहे यूज कर सकते हो नोट कीजिए स्टूडेंट्स इसको मैं फिर रब करता हूं ये पॉज कर दिया है नाउ स्टूडेंट्स एक पॉइंट है विलासिटी इज इक्वल टू ए अपॉन रो ई इज कॉल्ड वर्ड Modulus of elasticity. So, ES Modulus of elasticity is greater than EL that is liquids. And modulus of elasticity EL is greater than EG. ES is greater than EL is greater than EG. Means velocity of longitudinal wave that is sound wave. So sound. ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स दैन इन लिक्विड्स दैन इन गैसेस आपने कभी देखा होगा कि एक बहुत बड़ी गार्डर रॉड होती है उसके ऊपर जब हथौड़ा मारते हैं तो हमें दो आवाजें सुनाई देती हैं एक आवाज आती है थ्रू दैट आयरन बार और गार्डर और आयरन रेल दूसरी साउंड ट्रेवल करती है एयर में से तो जो दूसरी हमें थोड़ा लेट सुनाई देती है वो इसलिए लेट सुनाई देती है कि साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स, वो पहले सुन गई फिर गैसेस में सबसे लेट आई तो फिर वो उसकी सुनी तो हमें दो दो साउंड सुनती हैं एक हैमरिंग से एक हथौड़े से ठीक है हूं तो पूछोगे सर वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम एंड सॉलिड और मिनिमम इन गैसेस तो सॉलिड पांच हजार मीटर फाइव थाउजेंड मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम। सर फाइव थाउजेंड मीटर पर सेकेंड मींस फाइव किलोमीटर इन वन सेकेंड अन बिलीवेबल है ना मतलब सॉलिड जीडी साउंड स्पीड है वो कितनी होएगी पुत्रो फाइव किलोमीटर पर सेकेंड मैक्सिमम कितनी होगी बेटा फाइव किलोमीटर पर सेकेंड लिक्विड्स में होती है फिफ्टीन हंड्रेड मीटर पर सेकेंड फिफ्टीन हंड्रेड मीटर पर सेकेंड मीन्स वन पॉइंट फाइव किलोमीटर पर सेकेंड एंड एयर में थ्री थर्टी टू थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड जब जब हम पढ़ते थे ना ये तो ऐसी पता कि करते थे वो ना एक माचिस की डिब्बी लेके उस माचिस की डिब्बी से वो ऐसे होते थे नहीं माचिस की डिब्बी नहीं वो हम बैडमिंटन खेलते थे वो डब्बा होता था जिसमें शटल्स आती हैं तो उसमें से एक धागा बांध के दूसरा बोलता था ऐसे कान पे लगा के एक डब्बा उसके पास होता था तो उसके हेलो 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 ऐसे तो बड़ा हम बोलते थे हमने टेलीफोन बनाया लैंडलाइन बना लिया अरे भाई फाइव किलोमीटर पर सेकेंड सॉलिड्स में पांच किलोमीटर पर सेकेंड मतलब अब चंडीगढ़ पटियाला से पचास किलोमीटर है रफली तो पांच किलोमीटर एक सेकेंड में तो पच, दस सेकेंड में चंडीगढ़ आवाज चले जाएगी कितना इजी है यार मैं सॉरी कितना सरप्राइजिंग है दस सेकेंड में वॉइस पटियाला से चंडीगढ़ मतलब पटियाले तो सॉलिड विच हैमर मारिया दस सेकेंड से चंडीगढ़ पहुँच गए मीन्स यू जस्ट हैमर्ड हेयर एंड फिफ्टी किलोमीटर इन टेन सेकेंड्स एंड फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड इन लिक्विड्स एंड थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड इन गैसेस एयर मतलब ये जो थ्री थर्टी है ना मैंने एयर के लिए लिया है तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है नोट कर लो विलासिटी ऑफ साउंड इन एक्सटैंडर्ड सॉलिड ओके विलासिटी ऑफ साउंड इन एक्सटैंडर्ड सॉलिड अब आप बोलेंगे सर ये एक्सटैंडर्ड सॉलिड क्या है क्रस्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट ऑफ अर्थ ये एक्सटेंडेड सॉलिड होता है तो अब ये मालूम है किसके इक्वल होगा एक्चुअली मुझे ये आदत पड़ेगी नहीं अभी ये ये मैंने एक्चुअली किसी की नकल उतारता रहता था ऐसा है इसमें ऐसा है और मेरे को आदत गई यार कभी भी नकलें मत उतारो इस बुरी बात तो वी इज इक्वल टू बी प्लस फोर अपॉइंट थ्री ईटा अपॉन रो ये दिख रहा है आपको हुँ? तो भी अच्छे से जानते हैं आप बल्क मॉडुलस बल्क मॉड्यूलस ईटा मॉड्यूलस ऑफ रेजिडिटी एंड रो रो इज कॉल वॉट डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो स्टूडेंट्स ये लर्न करना है आपने विलासिटी ऑफ साउंड इन एक्सटेंडेड सॉलिड दैट इज क्रस्ट ऑफ अर्थ तो उसमें जो ये विलासिटी है दैट इज इक्वल टू बी प्लस फोर अपॉन थ्री इटा अपॉन रो बी को बोलते हैं बल्क मॉडल्स इटा को बोलते हैं मॉडल्स ऑफ रेजिडिटी रो को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल। करेक्ट तो नोट कर लो हम असी परे हट जाने भाजी तुम नोट करो जल्दी सो डियर स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विलासिटी ऑफ साउंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर आइजेक न्यूटन ई हैज गवन विलासिटी ऑफ लॉन्गट्यूडनल वेव तो न्यूटन साहब ने क्या बोला के जो साउंड ट्रेवल करती है गैसेस में एयर में वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ट्रेवल करती है आइसोथर्मल कंडीशंस पे ट्रेवल करती है किस पर करती है आइसोथर्मल कंडीशन पे अब देखो वी इज इक्वल टू ई अपन रो और अभी अभी हमने ई गैसेस के लिए ई e को किस में लिया बी में ले लिया के मैं नहीं ले रहा मैं बी लेके चल रहा हूं करेक्ट अब इंटरेस्टिंग बात क्या है हम बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ठीक है बच्चों किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बी का कैसे लुक न्यूटन एज्यूम दैट जब गैस में हम लॉन्गिट्यूडल वेव कंप्रेशन एंड रेरिफिक्शन क्रिएट करते हैं अब आप भूल गए कंप्रेशन ये देखो कंजेशन हो जाती है रेरिफिक्शन में दूर दूर हो जाते हैं न्यूटन सेड दैट न्यूटन सेड सेड नहीं न्यूटन टोल्ड दैट जब साउंड ट्रेवल करती है थ्रू एयर देन कंप्रेशन संज्ञापन रेडिफेक्शंस विरलापन क्रिएट हो जाता है ठीक है अब लॉजिक पकड़ो जब कंप्रेशन होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा रेडिफेक्शंस होगी तो टेम्परेचर फॉल कर जाएगा तो लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो न्यूटन साहब ने बोला बेटा कंप्रेशन में टेंपरेचर बढ़ गया है रेडीफ्रिक्शन में टेंपरेचर कम हो गया है तो ओवरऑल टेंपरेचर कांस्टेंट है की कहें न्यूटन साहब वह पुत्र कंप्रेशन से टैम्परेचर व्या से टेंपरेचर घट गया तो मेरे बच्चे टैपरेचर कांस्टेंट, ठीक है तो आइसोथर्मल हुआ तो B का वैल्यू हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल अब उसके लिए टेम्परेचर रिमेनिंग द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए वन मोल ऑफ ए गैस पी वी इक्वल टू आर टी पीवी इक्वल टू आर टी नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पी डीडीपी पी वी डी डी पी आर टी अब पी बी वेरी वी बी वेरी यू वी थ्योरम एक बच्चा बोलता सर वेरी का मतलब क्या है वेरी का मतलब दुश्मन नहीं है बैरी नहीं वेरी वी ए आर वाई मतलब फी भी बदलता है, वी भी बदलता है पी भी बदलने को मांग था, वी भी बदलने को मांग था, तो ये यू वी थ्योरम लगाता तो ये क्या बन गया मेरे बच्चों पी एज इट इज डी डी वी ऑफ पी प्लस वी एज इट इज डी डी पी ऑफ

माइनस डी पी इंटू वी अपॉन डी वी नेगेटिव साइन सिंपली शोज दैट इट इज कंप्रेस्ड सो दिस इज डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी वट इज डीपी स्ट्रेस डी वी अपॉन वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अरे यारा ये तो बी हो गया इसका मतलब है इक्वेशन इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन रो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p अपॉन रो अब p का वैल्यू क्या है 1.01 पॉइंट जीरो वन वन पॉइंट जीरो वन टेन रेज टू पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और रो का वैल्यू कितना है टिपिकल अर्थ डेंसिटी uh, क्या होगा रो 1.29 किलोग्राम 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो ये आया 280 मीटर पर सेकेंड अब न्यूटन साहब को बुला लिया सारे साइंटिस्टों ने ओ कहते न्यूटन भाजी कहते हो वी इज इक्वल टू टू एटी मीटर पर सेकेंड ना दिस इज थ्री थर्टी टू टू थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड एरर है सर न्यूटन को क्या बोलते स्टूडेंट सर इसमें एरर आ गया सर न्यूटन को आ गया गुस्सा जंत अपन आयोजक न्यूटन है हमने लॉज ऑफ इनर्शिया दिया है नहीं वो तो गलेलियो ने सॉरी लॉज ऑफ मोशन दिया है सर गलेलियो भी था, था ना हमने ग्रेविटी निकाली है सर वेदों में तो ग्रेविटी बहुत पहले से है पांच हजार साल पहले सोलर इक्लिप्स प्रेडिक्ट कर रहे थे चलो ज्यादा मत बोलो अच्छा वेदो वेदो की बात मेरे से ना करो न्यूटन बोलता बोलता टू मीटर पर सेकंड का गलत है सर हम नहीं मानते अब एक न्यूटन का चेला था लैपलेस वो अंदर ही अंदर मुस्करा रहा था वैसे जैसे आप मुस्करा रहे हो ना मैं पढ़ा रहा हूं आप भी मुस्करा रहे हो कि सर क्या बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं कैसे पढ़ा रहे हैं इनका तरीका क्या है बड़ा अजीब सा तरीका लग रहा है पर समझ तो आ रहा है तो भाई मेरे बच्चों मेरे चिल्ड्रनों मेरे न्याण तो सर आइजेक न्यूटन का एक चेला था ला प्लेस लापता नहीं लैपलेस लेपड़ नहीं लैपलेस तो उसने करेक्ट किया बट एग्जाम में न्यूटन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द विलासिटी ऑफ साउंड या ऑप्टेन वेलोसिटी ऑफ साउंड यूजिंग न्यूटन्स फार्मूला एंड कंसिक्वेंटली अगर फाइव मार्क्स का हो तो अप्लाई लैपलेस करेक्शन तो अपन बोलेंगे भाई पहले हम हटे परे आप इसको करो नोट करो पॉज नोट करो फिर आते हैं लेपलेस करेक्शन पे सो so, लेपलेस करेक्शन करेक्शन लेपलेस बोलते कि जब साउंड ट्रेवल करती है एयर में तो कंप्रेशन होती है और रे होती है जब कंप्रेशंस होती है तो एयर के गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दैट टेम्परेचर बढ़ जाता है फिर रे होती है टेम्परेचर फॉल हो जाता है एयर इज ए वेरी पुअर कंडक्टर of heat though there is no loss of heat dear sir isaac newton sound travels in air not isothermally but adiabatically so according to adiabatic adiabatic aapne padha hua thermo mein, according to adiabatic equation pv to gamma equal to constant k the differentiating with respect to p dp of pv to gamma dp of k p as it is

एन एक्स टू एन माइनस वन आगे डीडी वी ऑफ पी प्लस वी टू गैमा डीडी पी ऑफ पी इज वन दैट इज जीरो तो गैमा पी वी टू गैमा माइनस वन डीवी इक्वल टू माइनस वी टू गैमा ये डीपी को इधर ले आओ नो गैमा पी वी टू गैमा वी टू माइनस वन डी वी माइनस वी टू गैमा डी पी ये कैंसल हो गया भाई तो गैमा पी इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन डी वी और ये v टू माइनस वन इधर आके क्या हो जाएगा चलो मैं पूरा स्टेप कर देता हूं नीचे ले लिया गैमा पी माइनस डी पी वी माइनस वन ऊपर चला गया वी अपॉन वी गैमा पी माइनस डी वी अपॉन वी पी इज स्ट्रेस वी अपॉन वी इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज कंप्रेस्ड

बी एडिया बेटिक अपॉन रो अब ये वेलोसिटी अच्छा कर लेना लैपलेस का राइट right? तो इसका वैल्यू क्या आएगा गैमा पी अपॉन रो तो अंडरवुड गैमा इंटू टू एटी अंडरवुट गैमा इंटू टू एटी और गैमा का वैल्यू मालूम है कितना है मैं यहां लिख रहा हूं गैमा का वैल्यू है इज वन पॉइंट फोर वन टू एटी ये नियरली मालूम है किसके इक्वल आ गई थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड कैसा लगा अब मैं इसको रिपीट नहीं करता पता क्यों हम लोग ऑफलाइन में ना रिपीट करते हैं पता क्यों क्योंकि वहां कौन सा रिकॉर्डिंग है अब आपके पास तो इसकी रिकॉर्डिंग है आप इसको रिवाइंड कर लो मजा आ रहा है पढ़ के भैया एक चीज सुन लो यू हैव टू मेक नोट्स नोट्स बनाना बहुत जरूरी है कुछ लोग क्या करते हैं ओ, हम तो भाई सुन लेते हैं नहीं ये आपको लिखना भी होगा नोट्स भी बनाने होंगे तो नोट कर लीजिए आप जल्दी से एक और पॉइंट बताता हूं मैं आपको पहले नोट कर लीजिए मैं परे हट जाता हूँ पॉज करो नोट करो See, uh, students, uh, I am going to discuss with you a relation between velocity of sound and root mean square velocity. A relation between velocity of sound, v is equal to gamma r. टी अपॉन एम वी इज इक्वल टू गेमा आर टी अपॉन एम करेक्ट एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, थ्री आर टी अपॉन एम मेरे बच्चों आपने कैनेडिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यह पढ़ाई हुआ है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम इज इक्वल टू अंडर पढ़ा है ना नहीं पढ़ा प्लेलिस्ट में जाके देख लेना थर्मोडा में शायद मैंने डाला हुआ है नहीं हुआ तो मेरे को बोलो यार विपिन सर चलो लेक्चर के बाद बोलेंगे कौन है तो अब देखो वी आर एस आर एम एस इक्वल टू रूट थ्री आर टी बाई एम अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं किसको डिवाइड करते हैं वी आर एम एस वी आर एम एस डिवाइडेड बाय वी इक्वल टू रूट थ्री आर टी बाय अपॉन गेमा आर टी बाय एम तो वी आर एम एस अपॉन वी आर टी बाय एम थ्री आर टी बाय एम ये आर टी बाय एम आर टी बाय एम कट गया तो दिस इज थ्री अपॉन गेमा interesting the velocity of sound this is vrms under root of gamma upon 3 Ye hai beta relation सो so, अब मैं इसको रिपीट करूंगा क्या फायदा आप रिप्ले कर लो है ना बहुत बच्चे बोलते थे मैं जब स्कूल्स में जाता था ना सर दो चैप्टर बहुत परेशान कर रहे हैं वेव्स एंड ऑसिलेशन एक हमें परेशान कर रहा है रोटेशनल मोशन अरे इसके बाद मैं रोटेशनल भी रिवाइज करवा देता हूँ अच्छे से जितने भी लोग जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं वो नाइन एट वन फोर वन टू वन डबल नाइन नाइन सिक्स पे मुझे जरूर जरूर बताएं कि ये कैसा लग रहा है व्हाट्सएप करके बट मैं सिंपल अप्रोच रखता हूं मैं तो खुद सीख रहा हूँ ये सुनो सर इज फॉर द स्टूडेंट्स by the students with the students vipin sir hamesha vidyarthiyon ke sath khade hain unke liye unke sath har pal vipin sir hamesha apne student de nal khade hain padhai de vich hor nahi na 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 chak do phatte आप एक बड़ी जबरदस्त प्लान दसन जा रहे हैं मैं मैं स्पेशल उस पब्लिश भी करूँगा नवे सेशन तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैचेस स्कूल ऑफ साइंस एप थ्रू लाइव क्लासेस उस विच मैं पढ़ावगा तीन डॉक्टर्स ने डॉक्टर नहीं एमबीबीएस वाले बॉटनी जोलॉजी के पी एच डी ने कैमिस्ट्री दे डी ने मैथ दे पी एच डी ने फिजिक्स का भी गोल्ड मैडलिस्ट बंदा आएगा नाल मेरे क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा स्कूलों जाना पैंता है राइट right? ता क्लास रेगूलर रहेगी यूट्यूब पर मैं अपने पाई जाव ठीक पढ़ोगे ना सो so, अपने आपन एनरोल करो जल्दी तो जल्दी नाइन एट वन फोर वन टू वन नाइन नाइन सिक्स तो लिंक मांग लो मल्टीपल चॉइस लिए अपनी ऐप हैगी टॉप रेंकर डॉट कॉम टी ओ पी आर ए एन के आर डॉट कॉम यार माई डियर चिल्ड्रन सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ ना बोलो तो अच्छा है जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो आप भी मेरे साथ खड़े हो राइट right? अरे यार आपको इतना अच्छा सर मिलने वाला है है ना गॉड प्लस यू नाइन्थ एंड टेंथ के जितने भी किडोस हैं छोटे छोटा बिटवा बिटिया उनको बोलो कि हम न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं ओके okay? उनको भी हम लोग पढ़ाएंगे Thank you all, subscribe.